आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी में कोरोना कोविड 19 की स्थिति क्या है, वास्तविकता क्या है, ये जिला प्रशासन बताने से हिचकता नजर आ रहा है। सिवनी जिला चिकित्सालय में कोरोना कोविड 19 के संभावित पॉजिटिव ये सभी मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। सिवनी के निजी चिकित्सालयों में भी अब जगह नहीं बची है, ऑक्सीजन सपोर्टेड बिस्तर भी लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। यहाँ एक बात आपको बताना प्रासंगिक होगी कि कोरोना कोविड 19 के पहले जिला चिकित्सालय सिवनी को कायाकल्प अभियान के तहत चकाचक भवन तैयार कर दिया गया था, पर व्यवस्थाओं के नाम पर किसी का ध्यान नहीं गया। सांसदों और विधायकों के द्वारा सांसद विधायक निधि भी दी गई थी और सांसद विधायक निधि देने के बाद भी यहाँ व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं आया। यहाँ तक कि हर एक विकासखंड स्तर पर एक एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई थी, जन सहयोग से सारी चीज़ों को किया गया था। वर्तमान समय में एम्बुलेंस हाँफती नज़र आ रही है, 108 एम्बुलेंस में अगर आप अभी फ़ोन करिए तो लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद आपका नंबर आएगा, क्योंकि इस कदर लाइन लगी हुई है, ऐसा स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों का कहना है। वहीं शव वाहन, नगर पालिका के शव वाहन कितने फेरे लगा चुका है, इसकी जानकारी ही अगर जिलाधिकारी स्वयं ले लें तो उनकी आंखें फटी रह जाएंगी, क्योंकि नगर पालिका के सूत्रों का कहना है कि शव वाहन मुक्ति धाम ले जाने वाला, मोक्ष धाम ले जाने वाला वाहन, उसकी सांसें भी फूलती नजर आ रही हैं। कायाकल्प अभियान में प्रदेश में प्रथम आने पर 40 लाख और इस बार रनर अप रहने पर 15 लाख की मदद, 15 लाख का पुरस्कार जिला चिकित्सालय को मिला है। सबके बाद भी जिला चिकित्सालय की स्थितियों में सुधार कहीं भी परिलक्षित नहीं हो रहा है। विधायक सिवनी के विधायक दिनेश राय के द्वारा एक अनुकरणीय पहल की गई, उनके द्वारा क्या कहा गया, क्या उनका कहना है, ये हम अभी आपको बताते हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। अखिलेश दुबे की रिपोर्ट, आइए सुनते हैं विधायक दिनेश राय क्या कह रहे हैं, क्या है उनका कहना, क्या है उनका संदेश। नमस्कार। कोरोना काल भयावह होता जा रहा है, महामारी है, आप सबसे निवेदन है, कर्फ्यू लगा नहीं है ना लॉकडाउन है, कोरोना कर्फ्यू है, इसका पालन करें और अपने परिवार की सुरक्षा करने पर अधिक ध्यान दें। मैंने 10 दिन में लगातार जिला अस्पताल में भ्रमण कर रहा हूं और मेरे भाई भी वहां पर भर्ती हैं 10 दिन से, उस वजह से भी मेरा अस्पताल में जाना आना लगातार हो रहा है। वहां की परिस्थितियां भी बहुत गंभीर होते जा रहे हैं। मैंने जिला कलेक्टर महोदय से बात भी कर ली है, पत्र भी जारी कर दिया हूं। मेरी जो विधायक निधि है उसका 1 करोड़ रुपए राशि इस कोरोना काल में इस महामारी से बचने के लिए कैसे आपको उपयोग करना है, कितने बेड बढ़ाना है, कितने ऑक्सीजन सेंटर बढ़ाना है, कौन सी किट चाहिए, कौन से इंजेक्शन नहीं मिल आवश्यकता है और कितना स्टाफ की आवश्यकता है, कहां कहां उस राशि को आप खर्च कर सकते हैं जान बचाने में, आप उसका पूरा उपयोग करें। पूरी विधानसभा ने पूरे जिले के लोगों के लिए वहां पर उपयोग करें मेरी विधान सिवनी में। और मैंने 2 एम्बुलेंस दिया था, बखारी और चमारी, तो पता किया CHMO से तो उसमें ड्राइवर नहीं है, उसके लिए भी मैंने बात की हूँ कलेक्टर साहब से कि उसको चालू करवा दें, ड्राइवर की तनख्वाह भी मैं स्वयं दे दूंगा। इस विकराल बीमारी से बचने के लिए हम सबसे विनम्र निवेदन आग्रह है, महामारी है, इसमें हम कौन क्या कर रहा है वो छोड़िए आप। मैं खुद किट पहन के ICU में गया हूं और भी रूमों में जाके देखा हूं, क्योंकि हमारे नर्स, हमारे डॉक्टर भी मेहनत कर रहे हैं,
वो भी इंसान है, लेकिन इस बीमारी में वो भी नहीं बच रहे हैं, वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ऐसा लगता है ये महाविकराल बीमारी है, इसमें हम सबको लड़ना पड़ेगा। सब तंत्र फेल होते जा रहा है, जिन पे हम भरोसा करें वही बीमार होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को बचने का भी प्रयास करना है। हम सब समाज से भी, सभी जनता से निवेदन है, सभी नेताओं से आग्रह है, सब मिलकर इसमें बढ़े, मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें और जबरदस्ती बाहर ना निकलें, ऐसा मेरा निवेदन है। सुबह 6 बजे से 12 बजे तक में आपको सब्जी भी मिलेगी, दूध भी मिलेगा, किराना भी मंगाएं आप, और हमारी सोसाइटी गरीबों के लिए वो भी खुलेगी, उनका उपयोग करें और जबरदस्ती बाहर ना निकलें, मास्क लगाएं। जय हिंद, जय भारत। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के YouTube को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में YouTube टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर YouTube का ऐप है तो YouTube खोल लीजिए। YouTube खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपका ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे, ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप खोल, जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए, सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए, आप लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका YouTube का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए, यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट, सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।